टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लेके आए हैं हमारा नया टॉपिक थ्योरीज ऑफ फेलियर। और ये टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का है और लगभग एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस आपको इस थ्योरीज ऑफ फेलियर के मिल जाते हैं। तो इसमें हम केवल शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप की थ्योरीज ऑफ फेलियर हमको पढ़ने हैं। देखो तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा, इनको टू द पॉइंट हम चलेंगे इसमें। तो यदि बात की जाए थ्योरीज ऑफ फेलियर की, तो हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फाइव टाइप्स की थ्योरी ऑफ फेलियर होती हैं। ये फाइव थ्योरी ऑफ फेलियर हैं जो कि लगभग किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। तो सबसे पहली थ्योरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। सेकेंड थ्योरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। साथ के साथ आपको इनका नाम भी याद रखना है। कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इस को ही रैंक एंड थ्योरी कहा जाता है। तो कई बार पूछ लेता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी भी दे देता है और रैंकिन थ्योरी भी कह देता है। तो ये रैंकिन के द्वारा डेवलप की गई थी, तो इसी का अलग नाम होता है हमारे पास रैंकिन थ्योरी। और सेकंड थ्योरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। दिस इज नॉन एज सेंट बेनेंट थ्योरी। सेंट बेनेंट थ्योरी थर्ड आपको याद रखना है। थर्ड थ्योरी हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। और इसी का नाम होता है हमारे पास ट्रेस का और गेस्ट थ्योरी। ये आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। एग्जाम में कई बार रैंकिन थ्योरी कह देता है, समटाइम्स ये भी पूछ लेता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा, रैंकिन थ्योरी। फोर्थ आएगी हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। और इसे कहा जाता है हेग थ्योरी। और लास्ट आएगी हमारे पास मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। इसी का अनदर नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी। और इसी का नाम होता है बोन माइसिस और हैंकी फोन माइसिस थ्योरी। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमको इस टॉपिक के अंदर पांच थ्योरीज याद रखनी है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसे कहा जाता है रैंकिन थ्योरी। सेकंड है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, जिसे कहा जाएगा सेंट बेनेंट थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एनर्जी थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। इसके बाद देखो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो रैंकिन थ्योरी होती है हमारे पास, ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज में ली जाती है। ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज में ली जाती है। दिस इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। मैक्सिमम
शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ये दोनों ही थ्योरी हमारे पास डक्टाइल मटेरियल्स के लिए उपयोग में ली जाती है। तो यहाँ से हमारे पास कम से कम दो या तीन क्वेश्चंस कवर हो गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए हैं। अगर इतना आपको याद है तो लगभग आपका एक नंबर आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि कौन सी थ्योरी का नाम क्या है और कौन सी थ्योरी किस मटेरियल्स के लिए यूज में ली गई है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दिस इज आल्सो यूज फॉर ब्रिटल मटेरियल्स। अब समटाइम्स वो ऐसे भी कह सकता है कि कौन सी थ्योरी कास्ट आयरन के लिए उपयोग में ली गई, तो आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल कास्ट आयरन कैसा होता है, ब्रिटल नेचर का। तो ब्रिटल पदार्थों के लिए कौन सी थ्योरी काम में ली जाएगी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ओके, अब हम एक एक थ्योरी को डिस्कस करते हैं कि इस इनमें से आपको क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो सबसे पहली थ्योरी आती है हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इसे ही कहा जाता है रैंकाइन थ्योरी भी कहा जाता है इसे। इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, रैंकाइन थ्योरी। दूसरा आपको याद रखना है कि यह थ्योरी ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज में ली जाती है। ब्रिटल मटेरियल्स जैसे कास्ट आयरन, सेरामिक्स, इन सभी जो भी जितने भी ब्रिटल मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनकी उनको डिजाइन किया जाता है इस थ्योरी के बेसिस पे किया जाता है। और तीसरा आपको याद रखना है कि इस थ्योरी को यदि हम प्लॉट करते हैं स्ट्रेस एक्सिस पर तो इसका एनवलप एक रेक्टेंगल बनता है, कि इसके अंदर ये थ्योरी हमारा यदि इसके अंदर लोड लगा हुआ तो सेफ रहेगी, और यदि इससे बाहर इस एनवलप से बाहर कहीं भी स्ट्रेस की वैल्यू पहुंच जाती है तो हमारी थ्योरी जो कंपोनेंट है वो हमारा फेल हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारे पास इन केस ऑफ टॉर्जन, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है टॉ मैक्स इज लेस देन 0.57 ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। इससे ज़्यादा जेई लेवल में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो पहला रैंकाइन थ्योरी कहा जाता है, दूसरा ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, और तीसरा एनवलप, और फोर्थ की टॉर्जन के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान 57% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। ओके, सेकंड थ्योरी हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। तो यहाँ से आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, केवल आपको याद रखना है कि इस थ्योरी का नाम क्या है। तो इस थ्योरी को ही सेंट बेनेट थ्योरी कहा जाता है। दूसरा कि इन केस ऑफ टॉर्जन, टॉर्जन के केस में जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं वो लेस देन होने चाहिए 0.77 सिग्मा बाई से। तो यह थ्योरी प्योर टॉर्जन के केस में गलत रिजल्ट देती है, दिस विल गिव्स रॉन्ग रिजल्ट्स व्हेन ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। जब किसी मेंबर पर टॉर्जन अप्लाई किया जाता है तो ये इस थ्योरी से जो हमारे पास रिजल्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, रॉन्ग मिलते हैं, मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। सो नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिस, तो इसे प्रैक्टिस में इसे उपयोग में नहीं लिया जाता है। ओके, उसके बाद तीसरा देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी थ्योरी पर बेस्ड होते हैं और इसका नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। सबसे पहला क्वेश्चन, दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस का और गैस थ्योरी।
दूसरा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी किस प्रकार के पदार्थों के लिए उपयोग में ली जाती है, डक्टाइल पदार्थों के लिए। दिस इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील। तो आपको डक्टाइल ना कहकर पदार्थ का नाम भी दे सकता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इन केस ऑफ टॉर्जन जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ का 1/2 होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इट मींस दिस विल बी 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान पर जो मटेरियल्स की यील्ड स्ट्रेंथ का 50% होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के केस में। और फोर्थ बनता है इसका एनवेलप। यदि इसे प्लॉट किया जाए इसके रिजल्ट्स को सिग्मा वन और सिग्मा टू एक्सिस पर, तो इस शेप आपको याद रखनी है बस। तो इस शेप और ये होता है हमारे पास एक इररेगुलर हेक्सागन। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम। फोर्थ थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दिस इज आल्सो नोन एज हेक थ्योरी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इस थ्योरी में बनता है कि इन केस ऑफ टॉर्जन जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है हमारे पास इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो लेस देन होते हैं 0.62% ऑफ सिग्मा बाई। देखो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थियोरटिकल रिजल्ट है, तो ये हमारे पास थियोरटिकल रिजल्ट है। अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आते हैं टॉ इज लेस देन 0.57 ऑफ सिग्मा बाई। तो ये थ्योरी से आया है हमारे पास, तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है और ये हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो इस ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वैल्यू ज़्यादा देती है, इसी कारण दिस इज नॉट सेफ अंडर शियर। क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो ये कहता है कि हमारा 57% पर फेल हो जाएगा, लेकिन ये करेगी कि हमारा 62% पर जाके फेल होगा। ओके, तो इसमें से बस आपको ये याद रखना है। और पांचवा हमारे पास थ्योरी आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी। और दिस इज आल्सो नोन एज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। और बॉन माइसिस थ्योरी। पहला क्वेश्चन, दिस इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। सेकंड क्वेश्चन, टॉर्जन के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है लेस देन 0.57 ऑफ सिग्मा बाई। तो ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या आते हैं, एक्सपेरिमेंट से भी रिजल्ट क्या आता है हमारे पास सेम आता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होनी चाहिए 0.57 सिग्मा बाई। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थियोरटिकल रिजल्ट दोनों ही इस थ्योरी से क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। इसलिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी बहुत ही अच्छी है और रिजल्ट्स जो एक्सपेरिमेंट से आए हैं वो ही हमारे पास सेम मिलते हैं थ्योरी से, इसलिए यह थ्योरी एक्यूरेट रिजल्ट देती है। एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमारे पास किससे मिलेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी से। तो पहला क्वेश्चन, किस प्रकार के पदार्थों के लिए, डक्टाइल मटेरियल्स। दूसरा, टॉर्जन के केस में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है 0.57 सिग्मा बाई होती है और सेम आपको मिलती है एक्सपेरिमेंट से। अब बात करते हैं इसके, यदि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पर इसके एनवेलप को देखा जाए, स्ट्रेस डायग्राम पर इसे एनवेलप को देखा जाए तो ये मिलता है आपको एलिप्स। दिस इज मेजर एक्सिस और ये होती है माइनर एक्सिस, तो ये मिलता है आपको एलिप्स। ये शेप याद रखें, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है।
तो ये हमारे पास सारी थ्योरी एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो आपको क्या याद रखना है, कौन सी थ्योरी का नाम क्या है, कौन सी थ्योरी किस प्रकार के पदार्थों के लिए उपयोग में ली जाती है, और कौन सी थ्योरी टॉर्जन के केस में क्या रिजल्ट देती है। अब देखो दो क्वेश्चन और बनते हैं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट और इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई हमारे पास शाफ्ट है, इस पर बेंडिंग भी लगा हुआ है और इस पर टॉर्क भी लगाया गया है, तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है हमारे पास एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टू। और दूसरा आपको याद रखना है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर। तो ये भी दोनों क्वेश्चंस काफ़ी बार एसएससी ने पूछे हैं कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी पूछा गया है कि आपको बेंडिंग मोमेंट दे दे, ट्विस्टिंग मोमेंट पूछ ले। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास कोई भी शाफ्ट है जिस पर 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर का मोमेंट टॉर्क लगा हुआ है, सॉरी, और बेंडिंग मोमेंट लगा हुआ है इस पर 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर का। तो बताइए इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो ये होगा एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टू। तो एम कितना दे रखा है 40 प्लस का अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बाई टू, और 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर। तो 40 प्लस का 50 बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू 45 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो इस ठीक इसी प्रकार ट्विस्टिंग मोमेंट निकाला जा सकता है अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस का 40 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर इक्वल टू 50 मेगा पास्कल। तो इसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराई क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन आपके इस थ्योरी में ही कवर हो गए हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो शाम को फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।